हे गाइज और राइट सो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप स्नैपसीड ऐप का यूज करके कुछ इस टाइप की ऑयल पेंट वाली एडिटिंग कैसे कर सकते हो। गाइज इस तरह की फोटो एडिटिंग करना काफी आसान है। एंड गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। गाइज मेरा एक फ्रेंड का चैनल है जिसका नाम है गेमिंग विथ अंशु, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके गेमिंग सीख सकते हो। अगर आप फ्री फायर गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो बेशक आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड हमने यहाँ पे गैलरी के अंदर से इस फोटो को ओपन कर लिया है। तो गाइज अब इस फोटो को हम सिंपली यहाँ सेंड पे क्लिक कर देंगे, देन इसको ओपन करेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। ठीक है, तो गाइज मेरे पास ये रहा है स्नैपसीड ऐप एंड मैं इसके अंदर इसको ओपन कर लिया हूँ। स्नैपसीड ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ से जाना है ट्यून इमेज के अंदर। ट्यून इमेज के अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है, सेचुरेशन को कुछ नहीं करना है, यहाँ से एम्बियंस को बढ़ा देना है। ठीक है, हाईलाइट्स को थोड़ा सा जो है कम कर देना है एंड यहाँ पे शैडोज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, बिल्कुल ही थोड़ा सा। ठीक है, साथ ही आपको वार्म वार्म ये सब कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसको ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देना है एंड यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद अभी आप देखोगे बिफोर एंड आफ्टर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। अब आपको गाइज इस पर क्लिक करना है अंडो वाले बटन पर एंड यहाँ पर जाना है व्यू एडिट्स पर। अब यहाँ से ट्यून इमेज एंड देन यहाँ से आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे देन आपको यहाँ से इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब आपको इसको जीरो करके कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपने पूरे स्क्रीन से इसको इरेस कर देना है। ठीक है, तो याद रहेगा इसकी ये जो हम इफेक्ट अभी ट्यून इमेज के साथ ये जो कर रहे हैं एडजस्टमेंट वो हमारे बैकग्राउंड के लिए है। ठीक है, तो उसे आपको अपने फेस पर नहीं होने देना है। ठीक है, तो फेस से कुछ इस तरीके से इरेस करके यहाँ से डन कर देना है, यहाँ से बैक जाएंगे। अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे जाना है आपको विंटेज के अंदर। ठीक है, विंटेज के अंदर जाने के बाद सबसे लास्ट वाला आपको यहाँ से 12 नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको सेचुरेशन को पूरा ही कम कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ से जो है ब्राइटनेस को लगभग इतना रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है। ये आप देख पा रहे हो कि मतलब स्टाइल स्ट्रेंथ है तो इसे आपको 4 के अराउंड कर देना है। ये विग्निट स्ट्रेंथ है तो विग्निट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना सही है। ठीक है, एंड यहाँ से आपको डन कर देना है। अब आपको जाना है यहाँ से इस अगेन अंडू वाले बटन पे, यहाँ से जाना है व्यू एडिट्स के अंदर, विंटेज पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसे आपको पूरा 100 कर लेना है। ठीक है, मतलब अप एरो को। अब यहाँ से अपनी फ़ोटो को जूम करना है एंड कुछ इस तरीके से आपको पूरे बैकग्राउंड पर चला देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको पूरे बैकग्राउंड पर चला देते हैं गाइस। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और नहीं तो जल्दबाजी में ये बेकार सा हो सकता है। ठीक है, तो गाइज हम इसमें थोड़ा टाइम देके इसको अच्छे से करते हैं। अगर हम ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा जो कि आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो मैं तो कर ही रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी से सीख पाओ। ठीक है गाइज, एंड गाइज अभी आप देख पा रहे हो कि ओवरऑल हमने पूरे बैकग्राउंड पे चला दिया है। ये आप देख पाओगे बिफोर एंड ये देख पाओगे आफ्टर, मतलब कुछ इस टाइप से हमने पूरे बैकग्राउंड पे इसको चला दिया। देन यहाँ से आपको सिंपली डन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से बैक जाना है। अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है यहाँ सेलेक्टिव के अंदर। ठीक है, सेलेक्टिव पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से आपको पूरे नेक को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको सेचुरेशन को कम कर देना है एंड ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। ठीक है, अब यहाँ से स्ट्रक्चर को कम कर देना है। अगेन आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपने फेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सेचुरेशन को कम कर देंगे, यहाँ स्ट्रक्चर को भी कम कर देंगे थोड़ा सा एंड ब्राइटनेस को इतना ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे हो इतना काम हो गया। अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, यहाँ आपको पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मतलब काफ़ी सिंपल सिंपल सा स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपको गाइज यहाँ से स्किन स्मूथिंग जो है इसे आपको 57 कर देना है, फेस स्पॉटलाइट थोड़ा सा इंक्रीज करना है, आई क्लैरिटी को भी बढ़ा देना है। ठीक है, देन यहाँ से डन कर देना है। इतना हो जाने के बाद अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है,
यहाँ पे जाना है डिटेल्स के अंदर एंड यहाँ पे आपको शार्पनिंग को बढ़ा देना है, ठीक है, और डिटेल्स को थोड़ा सा इंक्रीज करके डन कर देना है, ठीक है। तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पे आपको दो चीज़ डिफरेंट दिख रही होगी, ये देख पाओगे बिफोर एंड ये देख पाओगे आफ्टर। अभी आप देख पा रहे हो फेस पे ज़्यादा लाइट है एंड नेक के पास बहुत ही कम लाइट है, तो नेक को सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देंगे एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, लगभग इतना। अभी आप देख पा रहे हो कि सब इक्वल लग रहा है एंड फोटो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है यहाँ पे। तो अब इस फोटो में गाइस एक चीज़ करना है हम लोगों को, वो है ऑयल पेंट। ऑयल पेंट वाला इफेक्ट डालने के लिए सिंपली इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देंगे एंड इस फोटो को अब हम ओपन करेंगे टूल विड्स ऐप के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास टूल विड्स ऐप ये रहा गाइस, कहाँ गया पे, ये रहा। तो मैं टूल विड्स ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे आने के बाद गाइस आपको सबसे इधर आना है, यहाँ आपको एक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपको सॉफ्ट स्मर्ज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से गाइज आपको 6 या 7 नंबर वाला इफेक्ट ले लेना है, जैसे हमने यहाँ पे 7 नंबर ले लिया, ये 8 नंबर ले लेता हूँ। यहाँ आपको मास्क पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको क्लीन कर देना है, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपने पूरे हेयर पे इसको चला देना है, मतलब ईजिली आप चला सकते हो, धीरे धीरे से आपको पूरे हेयर पे इसको चला देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपने पूरे हेयर पे ऑयल पेंट का इफेक्ट देना है, कुछ इस तरीके से चला देना है। आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, मैं दे देता हूँ जहाँ जहाँ भी हेयर्स दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको ऑयल पेंट का इफेक्ट डालना है, काफ़ी आसान है। एंड गाइज आप देख पा रहे हो कि ऑयल पेंट का हमने यहाँ पे इफेक्ट दे दिया है, अब आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि फोटो में ऑयल पेंट का इफेक्ट डालने के बाद फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है यहाँ पे। अब इस फोटो में सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है बैकग्राउंड में ब्लर। तो बैकग्राउंड में ब्लर डालना थोड़ा सा टफ है, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो को देख लीजिए एंड आप सीख लीजिए कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं स्नैपचैट ऐप में। यहाँ से कहीं जब इस फोटो को सिंपली यहाँ सेव पर क्लिक करके PNG करके आपको सेव कर लेना है, इससे आपकी फोटो बहुत ही हाई क्वालिटी में सेव हो जाएगी। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, हमने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।